पिछले 14 दिनों से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूर बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। उन्हें बाहर सकुशल निकालने के लिए हर संभव कोशिशें हो रही हैं। टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अमेरिकी ऑगर मशीन 24 नवंबर को शाम 24 घंटे बाद चली, लेकिन 1.5 मीटर आगे बढ़ने के बाद फिर लोहे का अवरोध आने से लक्ष्य से 9 मीटर पहले रुक गई, जिसके बाद सबकी सांसें भी अटक गई। टनल के भीतर ऑगर मशीन को भारी नुकसान पहुंचने की भी खबर है। मशीन का बर्मा भी भीतर ही अटक गया है। इस वजह से बचाव अभियान के 13वें दिन भी मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका, इसलिए अब वर्टिकल ड्रिल की तैयारी तेज कर दी गई है। वहीं ऑगर मशीन के फंसने की खबर से जहां अंदर मजदूर हताश हो गए हैं और बाहर से उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है, वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारियों के चेहरे भी उतर गए हैं। अधिकारी फिलहाल मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सिलक्यारा टनल के ऊपरी हिस्से में आज पानी का रिसाव होने से भी चिंताएं बढ़ गई हैं। सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान पर अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ अर्नोलाड डिक्स का क्या कहना है, ये हम आपको बताते हैं। बचाव के कई तरीके हैं, ये सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक है। अब ऑगरिंग नहीं देख पाएंगे, ऑगर खत्म हो गया है, बर्मा टूट गया है, बर्मे से अब कोई काम नहीं होगा और कोई नया बर्मा नहीं होगा। फिलहाल भीतर टूटी मशीन की ब्लेड को काटकर बाहर निकालने का काम जारी है, जिसमें कल तक का समय लग सकता है। इसके बाद टनल में मशीन के बजाय केवल हाथ से ही काम होगा, जिसमें 24 घंटे तक का समय लगने की बात कही जा रही है, यानी अगले 2 से 3 दिन तक मजदूरों को सुरंग के अंदर ही इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं बताया ये जा रहा है कि पिछले 14 दिनों से टनल के अंदर फंसे सभी मजदूरों का स्वास्थ्य ठीक है और लगातार पाइप के जरिए उन्हें खाना पहुँचाया जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।